मेरी बात सुनो, ये है अंधभक्त, ये है अंधभक्त की चाटुकारिता निकलते, याद रखना मेरी बात सुनो, सुनो मेरी बात सुनो, चाटुकारिता निकलते अंधभक्त का बेटा राजा नहीं बने। इसमें तो अपनी बहन का भी किस ले लेते हैं, हमने तो देखा है भाई। मेरी बात अब इनसे पूछो, इनके जो मतलब पिताश्री बैठे हैं पनौती, उन्होंने जो बोला था भरी सभा में, ये पहले पूछो, मोदी जी ने जो बोला है कि बेटी पढ़ाओ और बेटी बताओ, इनकी अगर बेटी को कोई पता आएगा तो बाबा सिर हो जाएगा। अरे दी गोडसे ने बोलिए, गोडसे मुर्दाबाद। बात सुनिए, गांधी जी से, गांधी जी से इतनी नफरत है, इनके जेब में जो गांधी जी की नोट थी ना, वो कह रहे राष्ट्रपिता हैं, तो उनकी हत्या की थी, उनकी हत्या की थी, क्या करने का भी तो रीजन होगा। ये इनकी मानसिकता है, जो जितना ज्यादा नफरती होगा, ऐसी गोबर इन्होंने अपने भक्तों के माइंड में भर रखा है। अगर ये लोग नहीं सुधरे, नहीं संभले, तो देश के हालात पाकिस्तान से बदतर हो जाएंगे, भूटान से बदतर हो जाएंगे। ये भक्त जो तुलना करते हैं पाकिस्तान से करते हैं, अरे तुलना करनी है अमेरिका से कीजिए, जापान से कीजिए, सिंगापुर से कीजिए। पाकिस्तान में भुखमरी है, हमारे देश में भुखमरी है, फर्क नहीं पड़ता। पाकिस्तान भुखमरी पे है, पाकिस्तान में बम। मीडिया वॉइस, आपकी आवाज। गोडसे ने बोलिए, गोडसे मुर्दाबाद, बोलिए गोडसे मुर्दाबाद। तुमने देखा हत्या की? लो मैंने देखा, हत्या करने का भी तो रीजन होगा। क्यों हिंदुस्तान पाकिस्तान क्यों किया भाई तुमने? बंटवारा क्यों किया तुमने? बंटवारा किया इन जैसे लोगों को। 18% जो मुस्लिम आबादी है वो हजम नहीं होती, अगर बंटवारा नहीं होता तो ये लोग हजम कर लेते। जितनी हिंदू की आबादी है अगर उतनी मुस्लिम की हो तो हिंदू रह नहीं पाएगा। क्यों नहीं रह पाएगा? ये देखो इनकी सोच, ये इनकी मानसिकता, सोच कर रहे हैं ना, मानसिकता देखिए। सुन तो लो अरे एक मिनट रुको, भाई की मैं डिबेट देख रहा था, मेरा देश गिरवी रख दिया था। मुझे ये बता दो किसके पास गिरवी रखा, कितने का रखा, कागज दिखा दे, उस आदमी का नाम बता दे। बस ये इस भाई को ना मैं छोटा सा डेमो देता हूँ, ठीक है? आनंद विहार प्राइवेट स्टेशन है, सरकारी है? किसके पहले ये मुझे बता भाई, सरकारी है कि प्राइवेट है, पहले ये बता। तो लाइट भी प्राइवेट है, लाइट भी प्राइवेट है। सुन तो पहले स्टैंप के मारा है सरकार ने, अब प्राइवेट में। पहले भाई मैं पूछ रहा हूँ, ये भी सरकार ने प्राइवेट किया है। सुनो एक मिनट, भाई ने पूछा गिरवी कैसे, आपके सवाल रुको रुको एक मिनट, ये वन टू वन आपके सवाल का जवाब देंगे। आप थोड़ा सा नाम बता, मैं बता दूंगा। इन्होंने बोला कि देश की, आप बोल लेते कि देश कैसे गिर भी है। मेन से एक ही सवाल, छोटा सा डेमो। आपने बोला हर, अच्छा सुनो तो पूरी बात तो सुनो, मेरे को पहले दो इस आदमी को, आप नाम बताओ पहले, ये मेरे सवाल का जवाब दे, नाम बताओ पहले, सवाल का जवाब बताओ। अब ये बताओ यार, वही वाली बात कर रहे हैं, किसके पास गिरवी रखा है? एक मिनट रुक जाओ, अरे इन्हें अपनी बात तो रखने दो भाई, चिल्लाने मेरी बात तो सुनेगा भाई। अरे मेरी बात सुनो, ये है अंधभक्त, ये है अंधभक्त की चाटुकारिता निकलते, याद रखना मेरी बात सुनो, सुनो मेरी बात सुनो, चाटुकारिता निकलते अंधभक्त, राजा का बेटा राजा नहीं बने। अंधभक्त है इसलिए तू अपना वो पावर, राजा का बेटा राजा से क्या मतलब है? प्रधानमंत्री परिवार में भी तो जनता मिली, दादा से प्रधानमंत्री, मेरी बहन कौन भाई, जिनके भाई मंत्री, ये बताओ जिनके कर्म अच्छे रहेंगे भाई उन्हीं की तो किस्मत चमकेगी, और जिनके कर्म अच्छे नहीं है। राहुल गांधी के क्या ये जो रैली निकालते हैं ना कि हम देश संगठन कर रहे हैं, इसमें तो अपनी बहन का भी किस ले लेते हैं, हमने तो देखा है भाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इतने अच्छे कर्म है, जिन्होंने अपनी बीवी को भी त्याग दिया, बताओ भाई, जिसने सात फेरा नहीं निभाया, जिन्होंने सात फेरा अपनी बीवी का नहीं निभाया, वो देश का युवाओं का भविष्य क्या बनाएगा भाई? जिन्होंने सात फेरा का वादा नहीं निभाया, एक मिनट, जो देश का युवाओं का भाई क्या निभाएगा? भारत जोड़ो यात्रा पे आपने बात कही है, और इन पे मैं बोलूंगा, सुनो और देखो, और देखो मैं उसमें प्यार आप नहीं करते हो भैया, इतना प्यार थोड़ो करते हैं, भाई में प्यार नहीं होता, मंच पे बैठ के ऐसे करेंगे, ऐसे ही कर लेंगे मंच पे बैठ के। मेरी बात सुनो, मैं इन गोबर भक्त की मैं बात कर रहा हूँ, ये जो कह रहे हैं ना, किसकी बात सुनो मेरी बात, अब इनसे पूछो, इनके जो मतलब पिताश्री बैठे हैं पनौती, उन्होंने जो बोला था भरी सभा में, अरे रुको रुको, इसने इससे ये पहले पूछो, मोदी जी ने जो बोला है कि बेटी पढ़ाओ और बेटी बताओ, इनकी अगर बेटी को कोई पता आएगा तो
बसीर हो जाएगा। अरे नहीं ठीक है, देखो सुनो, रुक जाओ, अब आप बताओ, तर्क पे बात हो जाओ, पर्सनल किसी पे मत लेके जाओ। सुनो, आपने जो कहा चुप चाचा गलत है। आप जो इतना भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रख रहे हो, सबसे पहले मुझे आप ये प्रमाण दो, जब मोदी जी चुनाव 2014 में चुनाव चल रहा था, उन्होंने ये कहा था कि प्रत्येक भारतवासी को हर वर्ष 2 करोड़ नौकरियां मिलेंगी। नौ साल, 9.5 साल हो गए, 19 करोड़ नौकरियों का प्रमाण दे दो। दूसरी चीज, उन्होंने कहा था कि इतना काला धन है कि हर व्यक्ति को 15-15 लाख यूं ही मिल जाएगा। दूसरी चीज, तीसरी चीज पे आ जाइए कि हम अच्छे दिन लाएंगे, भारत को विकसित बनाएंगे, विश्व गुरु बनाएंगे। ये बताइए, अखंड भारत तब तक नहीं बनेगा, विश्व गुरु बना लोगे आप? अब ये बात करते हैं, तो आप तो विरोध करते हैं ना अखंड भारत का? नहीं, हम विरोध क्या करते हैं, मैं तो चाहूंगा मेरा देश कल ही विश्व गुरु बन जाए, अखंड भारत बन जाए। एक बात बताइए, जब इनके नेता भारतीय जनता पार्टी के एक समुदाय को टारगेट करेंगे, उनको गालियां देंगे, टारगेट कर रमेश बिछूड़ी सबका विकास, सबका साथ विश्वास, सबका साथ सबका विश्वास नहीं है। रमेश बिछूड़ी जो दिल्ली से सांसद है, उसने अमरोहा के सांसद दानिश अली को क्या क्या कहा था, मैं अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकता क्या क्या कहा था उन्होंने, आतंकवादी, मुल्ले और न जाने कितने अपशब्द। उसको इस्तीफा दिलाना चाहिए था, जवाब दिया, उसका था? जेल में डालना चाहिए था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता देखिए, जो गाली देगा, जो मुसलमानों को टारगेट करेगा, जो दलितों को टारगेट करेगा, उसे प्रमोशन दिया, उसे राजस्थान में टोंक का प्रभारी बनाया और दिल्ली में कबड्डी का निर्विरोध अध्यक्ष बनाया। तो ये इनकी मानसिकता है, जो जितना ज्यादा नफरती होगा, ऐसी गोबर इन्होंने अपने भक्तों के माइंड में भर रखा है। देश बर्बाद हो रहा है, अगर ये लोग नहीं सुधरे, नहीं संभले, तो देश के हालात पाकिस्तान से बदतर हो जाएंगे, भूटान से बदतर हो जाएंगे। ये भक्त जो तुलना करते हैं पाकिस्तान से करते हैं, अरे तुलना करनी है अमेरिका से कीजिए, जापान से कीजिए, सिंगापुर से कीजिए। पाकिस्तान में भुखमरी है, हमारे देश में भुखमरी है, फर्क नहीं पड़ता, पाकिस्तान भुखमरी पे है, पाकिस्तान में बम। देखिए, ये देश को बर्बाद करने में जितना हाथ सरकार का है, जब हम एक निकम्मी सरकार जो होती है, जब सरकार पूरी तरीके से फेल हो जाती है, तो वो धर्म का सहारा लेती है। कहा गया है, जो कायर होता है, जो बुजदिल होता है, जो योद्धा जब हार मानने लगता है, जब उसे दिखता है मेरी हार होगी, तो फिर वो धर्म का सहारा लेगा कि मैं हिंदू हूँ, मैं मुस्लिम हूँ, मैं सिख हूँ, मैं ईसाई हूँ। ये जो भी कोई भ्रष्टाचारी होता है, जब नाकाम हो जाता है, तो वो धर्म का सहारा लेता है। और एक बात बताइए, ये लोग कहते हैं कि मंदिर बन गया, वो मान रहे ना, पहले लोग डरते थे, अब देखिए यहाँ पर जो है मोदी जी मंदिर का दौरा कर रहे हैं, मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है, इसमें दिक्कत क्या है? मैं समर्थन करता हूँ, मोदी जी ने उद्घाटन नहीं किया, न्यायालय ने मंदिर बनवाया। सुनिए, न्यायालय ने मंदिर बनवाया है। मुझे खुशी तब होगी जब मोदी जी एम्स का उद्घाटन करें, मुझे खुशी तब होगी जब मोदी जी अच्छी पॉलिटेक्निक बनाए। इसकी खुशी नहीं है आपको? नहीं, एक नारा चला था कि काशी मथुरा बाकी है, अयोध्या भी झाकी है, समझिए इनकी मेंटलिटी। अब राम मंदिर बन गया, अब टारगेट कहाँ करेंगे? मथुरा को करेंगे। अगर ये इतने ही बड़े देशभक्त है, इतना ही ज्यादा विकास किया है, तो विकास के नाम पर वोट मांगे, नौकरियों के नाम पर वोट मांगे, अच्छे दिन के नाम पर वोट मांगे, मंदिर मस्जिद के नाम पर वोट ना मांगे। ये अंधभक्ति है, ये दोगली राजनीति है। मैं अंधभक्ति का और दोगलेपन का समर्थन नहीं करता।